हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, हम सबके पास 10 रुपये का सिक्का रहता है दोस्तों, पर आज मैं आप सबको एक 10 रुपये स्मारक सिक्का का जानकारी देने वाला हूँ। और ये सिक्का हमको आम चलन में आए नहीं दोस्तों, फिर भी हमको ये 10 रुपये स्मारक सिक्का हमको सिंगल UNC कॉइन सेट में मिलता है। और ये UNC सिक्का मतलब अनसर्कुलेटेड सिक्का, जो आम चलन में नहीं आया सिक्का, हमको बहुत सस्ते में वर्तमान भी मिलता है। आप सब लोग जरूर कलेक्ट कीजिए वीडियो देखने के बाद। और दोस्तों, कुछ सिक्का हमको UNC अनसर्कुलेटेड सिक्का मतलब ज़्यादातर UNC या फिर प्रूफ सेट में आता है। ऐसा सिंगल सेट्स बहुत कम सिक्का जारी किया गया, ऐसा सिक्काओं में ये सिक्का एक है। और ये वीडियो देखने से पहले ये वीडियो का डिस्क्लेमर और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पूरा पढ़िए। अगर हमारा चैनल वीडियो पहली बार देख रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के वीडियो कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, हम सबके पास 10 रुपये सिक्का रहता है जो आम चलन में हमको जारी किया गया। वो सारा सिक्का हमको ऐसा रहता है, ये मेरा कलेक्शन से मैं दिखा रहा हूँ एक बार। इसमें हमको स्मारक सिक्का भी रहता है और डेफिनेटिव सिक्का भी रहता है, पर कुछ सिक्का हमको अनसर्कुलेटेड रहता है मतलब आम चलन में मुद्रा चलन में बिल्कुल जारी नहीं करता। ऐसा सिक्का कलेक्ट करना तो सिर्फ प्रूफ या फिर UNC सेट खरीदना पड़ता है, पर कुछ दिन के बाद हमको सिंगल कॉइन्स का UNC सेट भी हमको जारी करना स्टार्ट किया। मिट्स ऐसा सिंगल कॉइन सिक्का कुछ लेने से हमको बहुत फ़ायदा होता है। एक अनसर्कुलेटेड सिक्का भी हमारा कॉइन कलेक्शन में रहता है और हमको सस्ते में भी मिलता है। ये देखिए, मैं आपको 13th सेंटेनरी ऑफ गुरता गड्डी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्मारक सिक्का में दिखा रहा हूँ। ये सिक्का हमको 2008 में हमको जारी किया गया और मैंने मेरा सेट हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सेट में दिखा रहा हूँ। और ये सिक्का सिंगल सिक्का दोस्तों UNC कॉइन सेट में है। हमको हैदराबाद के साथ साथ हमको मुंबई मिंट भी ये सिंगल कॉइन UNC सेट इशू किया गया। वो सेट हमको एक ATM कार्ड जैसा एक छोटा सा कार्ड में पैक होकर रहता है। ये हैदराबाद मिंट से जारी किया गया है, सिंगल UNC कॉइन सेट है दोस्तों। रिवर्स साइड में पहले दिखा रहा हूँ, इस पर हमको 13th सेंटेनरी ऑफ गुरता गड्डी हमको इंग्लिश और हिंदी में और नीचे कुछ लैंग्वेज में मिंट किया गया, वो लैंग्वेज क्या मुझे नहीं पता। इस पर देख सकता है एक मॉन्यूमेंट भी हमको नज़र आ रहा है। नीचे हम देखने से 2008 और नीचे देखने से स्टार मिंट मार्क है, मतलब हैदराबाद मिंट का सिक्का ये। और आवर सेट हमको ऐसा नज़र आता है, अशोका लाइन कैपिटल सच में जाते 10 न्यूमेरिकल्स राइट साइड इंडिया रुपीस मिंट किया गया और लेफ्ट साइड हमको भारत रुपया हमको मिंट किया गया दोस्तों। और ये सिक्का सिंगल अनसर्कुलेटेड कॉइन है और वर्तमान सस्ते में भी मिलता है। और ये सिक्का का स्पेसिफिकेशन हम देखा तो ये सिक्का एक बायोमेटेलिक कॉइन है, 7.71 ग्राम्स वजन में रहता है और 27 mm का साइज में रहता है। और ये सिक्का का आउटसाइड रिंग हमको अल्यूमिनियम ब्रॉन्ज मेटल में जारी किया गया और मिडिल रिंग हमको कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया दोस्तों। और ये सिक्का का वर्तमान मार्केट एस्टिमेट वैल्यू हमको हैदराबाद मिंट का UNC सिंगल सेट का सिक्का की बात कर रहा हूँ मैं, 400 से लेकर 500 रुपये तक रहता है। और सेम मुंबई मिंट से जारी किया गया सिंगल UNC सेट सिक्का का कॉस्ट हमको 500 से 700 रुपये तक रहता है। और सस्ते में ये UNC सिंगल सेट का सिक्का हमको मिलता है और ऊपर से ये सिक्का अनसर्कुलेटेड है दोस्तों, मतलब ऐसा सेट्स खरीदा हुआ कलेक्टर के पास ही रहता है, इसलिए थोड़ा खास है। आप सब लोग जरूर कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे